हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप जो अपने सामने ड्राइंग देख रहे हैं वही बनाने वाले हैं। तो ये ड्राइंग बनाना बहुत इजी है और ये बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक कैनवास बनाना भी सिखाऊंगी, आप ये ड्राइंग उस पर बना सकते हैं। दोस्तों, कैनवास के लिए हम लेंगे A4 साइज शीट और एक बॉक्स जिसे शीट आराम से कवर कर ले। आपको देखना है कि ऊपर से बॉक्स कवर हो, साइड से नहीं होगा चलेगा, ऊपर से करना है। तो उसके लिए हम टेप भी ले लेंगे। और अभी हमें अपनी ड्राइंग के लिए चाहिए ऑयल पेस्टल्स, वाइट पेंट और वाटरप्रूफ परमानेंट मार्कर। एकदम फाइन परमानेंट मार्कर चाहिए। देखिए आप, इसकी टिप एकदम फाइन है, हमें यही वाला चाहिए। और हमें यहाँ पे फाइन टिप पेंट ब्रश चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी टिप एकदम फाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स के ऊपर अपना पेपर जो है A4 साइज वो चिपका लेंगे। तो अब मैंने देखिए यहाँ पे चिपका लिया। मैंने डब्बा चेंज किया क्योंकि मुझे बड़ा डब्बा चाहिए था और मैंने इस पे A3 साइज शीट चिपकाई है। फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या करना है। हमें लेना है अपना ऑयल पेस्टल और उसमें से लेमन येलो कलर, जो सबसे कम शेड्स वाला ऑयल पेस्टल का बॉक्स होता है उसमें भी लेमन येलो कलर होता है, वो लेके हमें यहाँ पे बीच में एक सनसेट जैसा शेप क्रिएट करना है। अब शेप क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ। हमें इसे कोनों तक लेके जाना है, पर एक थोड़ा थोड़ा हमें स्पेस छोड़ना है और फिर यही हमें नीचे की तरफ करना है क्योंकि नीचे की तरफ हम रिफ्लेक्शन रखेंगे। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। तो अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर लिया ऑयल पेस्टल का और हमें येलो के साइड साइड में इसे ऐसे करना है कि वो येलो के साइड साइड में लगे, उसके हमें अंदर नहीं जाना है, उसके साइड साइड में करना है। बाद में जब हम इसे मिक्स करेंगे ना तो एक सनसेट लुक आएगा। अब हमें लेना है पिंक, और पेस्टल में पिंक भी आ ही जाता है जो सबसे कम शेड्स वाला बॉक्स होता है। तो इसे हमें ऑरेंज के साइड में करना है ताकि सनसेट इफेक्ट क्रिएट हो। अभी उतना नहीं लगेगा लेकिन जब आपका धीरे धीरे बनने लगेगा ना तब लगेगा कि एकदम सनसेट जैसा लगेगा। तो मैंने पूरा में पिंक कर लिया। मैं बेबी पिंक ले रही हूँ, ये जंबो ऑयल पेस्टल वाला है। ये जो छोटा ऑयल पेस्टल का डब्बा होता है उसमें शायद नहीं होता है, तो मैंने दूसरे डब्बे में से लिया है। अब मैं देखो इसके साइड साइड में इसे ऐसे कर रही हूँ और साइड तक हमें इसे पूरा फिल करना है, लेकिन जो दूसरी साइड है वहाँ पर हमें इतना नहीं करना है और एक साइड में पूरा अच्छे से फिल कर देना है। ये देखो कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड कलर। रेड कलर भी मिल ही जाता है मिनिमम शेड्स वाले ऑयल पेस्टल में। तो अब हमें इसके ऊपर ऊपर रेड कलर करना है। हमें चारों तरफ में करना है रेड कलर, पर जो हमने येलो को थोड़ा एक्सटेंड किया है वहाँ नहीं करना है क्योंकि स्मज करके वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ नहीं करना है और नीचे की तरफ पूरा हमें अच्छे से कर देना। ऊपर में भी ना हमें थोड़े कोने छोड़ने हैं ऊपर और नीचे में। अब हम लेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर, थोड़ा डार्क वाला ब्लैक ही लीजिए, वैसे सारे ब्लैक सेम ही होते हैं, लेकिन तब भी आपको ब्लैक को ना थोड़ा डार्क करना है और कोनों कोनों में करना है। हमने जो साइड में थोड़ी स्पेस छोड़ी थी और नीचे की तरफ जो थोड़े कोने छोड़े थे वहाँ पर हमें एकदम अच्छे से ब्लैक करना है ताकि बाद में वाइट शीट का पार्ट दिखे ना। अब हमें लेना है ब्लैक कलर और जो कोना एक छूट गया था उसमें हमें अच्छे से ब्लैक कलर करना है ताकि थोड़ा सा भी वाइट ना दिखे। डार्क ही कीजिएगा, बाद में स्मज करेंगे तो फिर वो उस पर लग जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक्सेस कर दिया ब्लैक। अब येलो कलर लेके ना हमें एकदम पीछे तक एक्सटेंड करना है। अब मैंने जंबो ऑयल पेस्टल का यहाँ पर रेड ले लिया है। मैंने ये वाला रेड इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है। अगर आपके पास दो अलग रेड नहीं है तो फिर आप उसी रेड को उसके ऊपर एकदम डार्क कर दीजिए, क्योंकि हमें रेड का बहुत काम है, रेड को एकदम अच्छे से डार्क करना है। अगर आपके पास रेड नहीं है तो आप क्रिम्सन भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिम्सन कलर मैं बाद में यूज़ करूँगी, क्रिम्सन या कैरामाइन, आप दोनों में से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो रेड को अच्छे से कर लीजिए अब हम डार्क, और पिंक में कर लेंगे थोड़ा सा इसे स्मज। तो अब मैंने येलो लिया और येलो को आगे बढ़ाया और उसके बाद रेड को येलो तक एक्सटेंड करके अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्लैक ताकि स्पेस फिल हो जाए। यहाँ पे मैंने अभी लूँगी टिश्यू पेपर, तो टिश्यू पेपर से ना हमें सारे कलर को अच्छे से मिक्स करना है, एकदम टिश्यू पेपर से ना एकदम अच्छे से स्मर्ज कर लेना है। तो अब मैं देखो जैसे कर रही हूँ ना रगड़ रगड़ के वैसे ही करना है, इससे ना थोड़ा लुक आने लगेगा सनसेट का। बाद में हम फिंगर को भी यूज़ करेंगे लेकिन हमें टिश्यू पेपर को अच्छे से करना है क्योंकि टिश्यू पेपर से अच्छा लुक आता है। तो एकदम दबा दबा के करना है हमें ताकि सारे कलर्स एकदम मिक्स हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कलर कम है तो आप उसके ऊपर कलर करो फिर उसे मिक्स करो, लेकिन अच्छे से एकदम कलर करना है, कहीं पे भी खाली जगह नहीं छोड़नी।
यहाँ पे मैं ब्लैक कर रही हूँ कोने का, आपको पूरे को ऐसे अच्छे से स्मच करना है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...
turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।